हमारे प्रत्याशी बहुत काफ़ी वोटों से जीत रहे हैं और एनडीए के जो उम्मीदवार रीना जी हैं उनकी जीत सुनिश्चित हो गई है। हम अग्रिम बधाई भी रीना जी को देते हैं। अभी कई कई तरह का वो आरोप लगाएंगे, सत्ता पक्ष का भी आरोप लगा सकते हैं कि सत्ता के लोग थे, इन्होंने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन जनता। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में आज 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव संपन्न हो गया। आपको बताते चले कि नालंदा जिले में भी आज 20 मतदान केंद्रों पर चुनाव हुआ है। हमारे साथ जो एक राजनेता हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ हरनौत विधानसभा के पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर एमएलसी का चुनाव आज संपन्न हुआ, किस प्रकार से नालंदा में समर्थन मिल रहा है जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, किस प्रकार से जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिल रहा है इस बार। सबसे पहले तो अभी नवरात्रा चल रहा है, मैं सबको बधाई देता हूं। और जो हमारे प्रत्याशी हैं वो महिला प्रत्याशी हैं और जान रहे हैं कि नवरात्रा है, माता दुर्गा का आराधना हो रही है और इस बीच कभी हो ही नहीं सकती है कि जो महाशक्ति दुर्गा शक्ति है वो शक्ति के रूप में हमारे रीना यादव जी हैं। और हम लोगों ने पूरे नालंदा का जो चुनाव संपन्न हुआ उसमें रीना यादव जी का एक तरफा हवा बहा है और हम उम्मीद करते हैं कि 85% वोट जो टोटल वोट है उसमें रीना जी के पक्ष में है और बाकी जो दो प्रत्याशी हैं आरजेडी का और लोजपा के उनका वोट होगा। इसलिए हमारे प्रत्याशी बहुत काफ़ी वोटों से जीत रहे हैं और एनडीए के जो उम्मीदवार रीना जी हैं उनकी जीत सुनिश्चित हो गई है। हम अग्रिम बधाई भी रीना जी को देते हैं, राजू जी को भी देते हैं और उनके तमाम समर्थक। सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में एक चीज़ देखने को मिला कि कोई जातिवाद, लोग कहते थे कि जातिवाद का विभेद हो जाता है हर पार्टी के चुनाव के बाद, चुनाव में जब आते हैं जो प्रत्याशी जिस दल से होते हैं उसमें जाति का विशेषता हो जाती है, लेकिन इस चुनाव में एक चीज़ देखने को मिला कि हर जाति हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर करके एनडीए प्रत्याशी के जो रीना यादव जी के हैं उनके पक्ष में जो भी मतदाता थे वोट किए हैं और काफ़ी बहुमत से हमारे उम्मीदवार चुनाव जीत रही हैं। विपक्ष का कहना था कि पति पत्नी के 12 वर्षों के राज को समाप्त कर देना है इस बार। देखिए विपक्ष का आरोप तो हमेशा जो लगाना है लगाते ही हैं, लेकिन आप देखिए कि राजू जी भी व्यवहारिक हैं, रीना जी उनसे ऊपर व्यवहारिक में आ गए, इसलिए कि वो दूसरे बार चुनाव जीतने जा रही हैं तो विपक्ष का अपना जो आकलन उस आकलन से बोलते हैं। अभी कई कई तरह का वो आरोप लगाएंगे, सत्ता पक्ष का भी आरोप लगा सकते हैं कि सत्ता के लोग थे, इन्होंने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन जनता जो खास करके जो मतदाता थे इतनी स्तरीय जो एमएलसी का चुनाव हुआ उसमें जो मतदाता मुखिया थे, वार्ड के सदस्य थे, पंचायत समिति थे, जिला परिषद के सदस्य थे, एमएलए थे, एमपी थे, तमाम एमएलसी थे, तमाम लोगों ने जो बढ़ चढ़ कर करके हिस्सा लिया और जिस जाति से जो भी जीते थे तो लोग कहते थे कि लोजपा के हैं तो पासवान जी उनको वोट देंगे और कुर्मी वहाँ कुर्मी उम्मीदवार है नरेश जी तो कुर्मी उनको वोट देंगे, इधर बीरन यादव आरजेडी से थे और मेरे जो उम्मीदवार हैं वो भी यादव थे, लेकिन हमने तो देखा कि पूरे नालंदा जिला में 80% यादव और पासवान और कुर्मी तो 90% सब मिल कर करके और जो अन्य जाति लोग के लोग भी जो जनप्रतिनिधि हैं चाहे जिस जाति हो अति पिछड़ा हो अग्रणी जाति के लोग हों तमाम लोग बढ़ चढ़ करके रीना जी के पक्ष में वोट किया है। आपके नेता नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी ने फिर से रीना जी पे ही विश्वास जमाया, तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को लेकर नीतीश जी काफ़ी गंभीर रहते हैं। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन हमारे नेता राजू जी से पूछे कि चुनाव आप लड़िएगा कि मैडम लड़ेंगे, तो हम
राजू जी को भी बधाई देते हैं और उनके त्याग के लिए उनको जो उन्होंने त्याग किया कि नहीं मैडम ही चुनाव लड़ेगी, इसलिए कि मैडम सशक्तिकरण में खास करके महिलाओं के लिए जो विधान परिषद में और जहां भी हो महिलाओं के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रही है, इसलिए नीतीश कुमार जी के भी पसंद था, राजू जी की भी पसंद था, हमारे NDA के पसंद उम्मीदवार थे इसलिए उनको टिकट मिला। तो ये हमारे साथ हरनौत के पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील हैं जिन्होंने रीना देवी को जीत की अग्रिम बधाई दी है। दोस्तों लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।